यहाँ तो बहुत ज्यादा डार्क हो रखा है। वो हमारा आशियाना कह सकते हो, उसके लिए हम 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं सोच रहा था कि भाई किसी के नंबर से एक कॉल भी कर लेते तो भी कंफर्म हो जाता। मैग्नेटिक हिल है, कारगिल वार म्यूजियम है, यही है दरगाह लेफ्ट में ना। सो फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं हजरत बल दरगाह। सामने जो आपको वो दिख रही है मॉस्क का ऊपर का पार्ट, वही है हजरत बल दरगाह। सो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और इसी के पास है ये हजरत बल दरगाह। यहाँ के लोगों का जो बोलने का तरीका वो बहुत ही खूबसूरत है, लहजा और तहजीब के साथ बोलते हैं। भैया हजरत बल दरगाह किधर है? हजरत बल दरगाह किधर से जाना है? पीछे से भी है क्या? पीछे से भी? पीछे से जाओ, उधर ही जाओ, यहाँ से भी, यहाँ से भी जाओ, यहाँ से। अच्छा अच्छा, उसी से जाना है, इधर से अगर जाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँच जाए। हाँ, लाल चौक किधर है? कितना दूर है? हाँ अच्छा, फाइनली हम लोग आ गए हजरत बल दरगाह पे। सो कैब भाई जा रहे हैं अंदर क्योंकि हम लोग की बाइक खड़ी है और दोनों लोग अंदर नहीं जा सकते। वाह क्या नजारे हैं, जय हो। फिलहाल अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कैब भाई अंदर गए थे, एक्चुअली क्या था, गाड़ी हम लोग की बहुत ज़्यादा लोडेड है तो दोनों लोग नहीं जा सकते थे और अभी लेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो जल्दी से जल्दी बस निकलना है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, दरगाह कह सकते। टाइम हो रहा है 5:30 तक तो लगेगा ही क्योंकि हम ब्रेक लेंगे एक दो। श्रीनगर की एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर आपको डल लेक, फेमस डल लेक के साथ में ही ना बहुत सारे गार्डन मिल जाएंगे। ट्यूलिप गार्डन है, शालीमार गार्डन है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, सुना होगा। कश्मीर अपने सेबों के लिए भी फेमस है, खूबसूरत वादियों के लिए फेमस है, तहजीब और लहजे के लिए फेमस। अपना टारगेट यही है जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलें क्योंकि अभी डे लाइट है और कल अपनी असली राइड शुरू होगी सोनमर्ग टू लेह। स्कैन पेमेंट हो जाएगी ना? हो जाएगा ना, ठीक है, डाल दीजिए, फुल कर दीजिए। हाँ बस इतना ही आता है इसमें, आप ऐसे करके छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का हुआ है? 800। डे का फर्स्ट और राइड का फोर्थ पेट्रोल फिलिंग करवाया हमने, 800 रुपीज का टैंक फुल हो गया। अब एंटर कर चुके हैं सोनमर्ग में, पीछे चेक पोस्ट थी वहां से एंटर किए। यहां से सोनमर्ग पड़ता है 67 किलोमीटर, सो अप्रॉक्स 2 घंटे तो मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि ब्रेक ब्रेक लेके 2 घंटे चलेंगे। जैसा आपने देखा होगा श्रीनगर आते हुए हमें बहुत ज्यादा फ्लैट रोड मिली थी, वो सिनेरियो यहां पर नहीं होने वाला। यहां पर कुछ हिल्स भी मिलेंगी और व्यू तो आपको मैं क्या ही बताऊं। कहा जाता है कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, कभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था, मे बी आपके भी माइंड में आता होगा, डल लेक में इतने भी घर बने हुए हैं, सारी हाउस बोट बनी हुई है, सो वो खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने यहाँ जो लकड़ी है वो तो कुछ दिनों में ही गेट दरवाजे सब सड़ने लगते हैं। सो होता क्या है, यहाँ पर जो वुड यूज होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है वो वुड पानी में खराब नहीं होती है। सो उस वुड से बनते हैं यहाँ पर घर। और मेरा एक ग्लव्स अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया, सो वहाँ पर क्या मैंने ग्लव्स उतारा था लेकिन वो पहनना भूल गया। तो सामने आप देख रहे होंगे सोनमार्ग है 55 किलोमीटर, टाइम हो रहा है 6, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो 55 किलोमीटर कवर करना है। कारगिल है 117 किलोमीटर जिसे हम कल कवर करेंगे। और सामने ये देखिए आपके ये जो बादल दिख रहे हैं ना वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, ये काफ़ी हद तक ये जो एरिया है ये फ्लैट है, यहाँ पे फार्मिंग भी होती है, मस्त अपने को चलने को है। इधर भी हम लोग जब आ रहे थे कई जगह पे चेकिंग हो रही थी, कई जगह पे चेक पोस्ट बने हुए थे, बट किसी ने भी हम लोग को रोका नहीं क्योंकि सबको पता रहता है कि बाइकर्स हैं, अगर होते हैं तो फिर इनके पास डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, बट लोकल्स जो थे उनको रोका जा रहा था बार बार। वेलकम टू 122 RCC से हरिपुरा, ये क्या है मुझे पता नहीं, हरिपुरा शिव मंदिर मुख्यालय सड़क निर्माण इकाई। ओके सो ये हेडक्वार्टर है यहाँ पे,
जोजिला 76 बालताल 64 सोनमर्ग 54। ओके सो यही रोड अपना सीधे सोनमर्ग, सोनमर्ग से बालताल द्रास होते हुए जाएगा आगे लेह के लिए, और इसी पे हमें एक दो हाई पासेस मिलेंगे, मैग्नेटिक हिल मिलेगी जो कि हम कल कवर करेंगे। कल का प्लान ये है कि भाई जल्दी निकलना है, क्योंकि जिस तरह आज हम निकले, निकलने का प्लान था 12 बजे, निकले हैं 4 बजे, सो लेट हो ही जाता, बट समहाउ कल मैनेज करना है जिससे कि हम टाइम से निकलें। होता क्या है, शाम को सोते सोते बहुत लेट हो जाता है, डेटा कॉपी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि लैपटॉप हम लोग एक ही कैरी कर रखे हैं, कैफ भाई को भी डेटा कॉपी करना होता है, मुझे भी होता है, और फिर गोप्रो है, ड्रोन है, सबका डेटा कॉपी करते करते टाइम लग जाता है, तो लेट सोते हैं, और आज तो जानबूझ के ही लेट उठे थे। बट कल का प्लान ये है कि भाई कल जो है जल्दी उठना है जिससे टाइम से कवर कर लें, क्योंकि कल डिस्टेंस भी ज़्यादा है, उसके बाद पॉइंट्स भी ऐसे हैं जहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, मैग्नेटिक हिल है, कारगिल वार म्यूजियम रास्ते में पड़ेगा, सो इन सब जगहों पे तो रुकना ही है। टाइम जहाँ पे 9-10 घंटे की डिस्टेंस दिखा रहा है, और वहाँ पर ब्रेक लेने के बाद तो 14-15 घंटे तो खिंच ही जाएगा। शायद ये धान की खेती है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक तरफ घर बने हुए हैं हाइट पे, और नीचे की तरफ बने हुए हैं फार्मिंग लैंड है पूरा। क्या भाई कहाँ रह गए, पीछे दिख नहीं रहे हैं, अभी आ रहे होंगे, मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, क्योंकि साथ में रहना ज़रूरी है। इंटरकॉम भी कनेक्ट कर लेंगे, इंटरकॉम से कनेक्ट होने के बाद ना राइड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्या रहता है बोरियत नहीं होती है, बात करते करते बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस होती रहती हैं, और ग्लव्स नहीं है हाथ में तो ठंडा ठंडा लग रहा है, बट मेरे पास दो ग्लव्स और भी हैं, बट मैंने वो पीछे बैग में डाल लिए हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि उसको तो नहीं खोल सकता हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो ऐसे ही पहुँच जाएंगे, कल उन ग्लव्स को पहन लूँगा। वाओ क्या बात है, अब आपको दिखाता हूँ व्यू। मेरे राइट साइड में चल रही है रिवर, और सोनमर्ग है 50 किलोमीटर, यानी कि आपसे बात करते करते 5 किलोमीटर हो गए मुझे, और सामने गाड़ी देखो कितना धुआं छोड़ रही है यार, ये देखो व्यू, यहाँ पे ये रिवर है, और यहाँ के लोगों के लिए क्या मस्त रहता है कि अभी कभी भी शाम को या कभी भी जाने का मन है, रिलैक्स होना है, तो अपना वहीं पर चले गए, घूमते हुए आ गए। देखो इन्होंने हमें नहीं रोका, BRO। अभी तक जो भी हमें रोडें मिली हैं वो मिली हैं NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, बट यहाँ से अब BRO शुरू हो रहा है, यहाँ पर जितने भी टफ टेरेन होते हैं वहाँ पर BRO ही रोड को कंस्ट्रक्ट करता है, हर कोई नहीं कर पाता है, NHAI का हर जगह पे रीच नहीं है, खासकर जो जानने वाले हैं अगर वो बताते हैं कि लेह लद्दाख आज से 5-7 साल पहले जाना बहुत टफ होता था, 10 साल पहले तो और ज़्यादा टफ होता था, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलती थी, और उसके कंपैरिजन में अब थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोडों का कंस्ट्रक्शन हो गया है, बहुत रोड इम्प्रूव कर गई है। सामने देखिए एकदम स्लोप में है रोड, सामने बहुत ही खूबसूरत व्यू, और हमारे अभी राइट साइड में कंटिन्यू वो रिवर चल रही है, इसका नाम मुझे नहीं पता, मे बी चिनाब भी हो सकती है जो पाकिस्तान जाती है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कैब भाई का, काफ़ी देर हो गई है वो आए नहीं, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि साथ में चलें, क्योंकि उनका फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और मेरे पास एयरटेल का है, तो मेरे में तो नेटवर्क है, बट साथ में रहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई और मोड नहीं है, इंटरकॉम भी तभी कनेक्ट होता है जब एक पर्टिकुलर रेंज में हों दोनों। सो वेट कर लेता हूँ थोड़ी देर, देखता हूँ उसके बाद चलते हैं। काफ़ी देर से वेट कर रहा था कैब भाई का, बट वो आए नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ वापस उनको देखने के लिए, देखता हूँ कहाँ पे हैं वो, किधर चले गए हैं, कहीं ऐसा ना हुआ हो कि वो आगे निकल गए हों और मैंने देख ना पाया हो, बट मुझे उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि मैं आगे चल रहा था वो पीछे चल रहे थे। एक बार देख लेता हूँ बैक जाके थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या अंधेरा भी हो रहा है, ज़्यादा दूर तो मैं नहीं जाऊँगा, बट फिर भी कोशिश ये है कि थोड़ा बहुत जाके देख के आ जाऊँ। काफ़ी देर से वेट करने के बाद, काफ़ी रिटर्न जाने के बाद भी कैफ भाई नहीं दिखे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आगे ना निकल गए। सो फिलहाल
अब टारगेट है सोनमर्ग पहुंचने का, क्योंकि वहीं पे है मोहसिन भाई का होटल, वहीं पे हमें रुकना है, वहीं पे हमें जाना है। तो एक बार अब मैं इधर से निकलता हूँ, अगर आगे होंगे तो मिल जाएंगे। बाकी टाइम हो रहा है 6:45, अप्रॉक्स 30 मिनट से ऊपर मैं वेट कर चुका हूँ। रिटर्न भी कई किलोमीटर जाके देख चुका हूँ, सो बेटर रहेगा अब सोनमर्ग की तरफ चलता हूँ, अगर होंगे आगे तो मिल जाएंगे मुझे। कंगन में जहाँ पे मैं वेट कर रहा था कैब भाई का, वहाँ नहीं मिले, वापस गया। वापस आने के बाद थोड़ा आगे आया हूँ, एक जगह पड़ती है मामर, यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। लाइट है, मुझे लगा शायद कैब भाई पीछे हों, बट कंफर्म नहीं है पीछे हैं कि आगे। वेट करता हूँ थोड़ी देर और 5-10 मिनट, इनके सभी भी नहीं मिलते हैं तो मैं निकलता हूँ सोनमर्ग के लिए। एटलीस्ट मैं सोच रहा था कैब भाई किसी के नंबर से एक कॉल भी कर लेते तो भी कंफर्म हो जाता कहाँ पे हैं कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे में नेटवर्क आ रहा, उनके में नहीं आ रहा है। बट अगर कॉल आ जाती तो बेटर रहता, पता चल जाता। अभी टाइम हो रहा है 7:21, तो काफ़ी देर वेट करने के बाद उनका फ़ोन आया, वो कह रहे हैं मैं सोनमर्ग पहुँच गया हूँ, मुझे लगा आप आगे हो गए। तो मैं अब वहाँ के लिए निकल रहा हूँ, अप्रॉक्स 26 किलोमीटर मुझे और चलाना है। सोनमर्ग यहाँ से दिखा रहा है कितना, 34 किलोमीटर। ओके, उसके बाद वो मिलते हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे। अभी मैं सोलो राइड करता हूँ जरा 30 किलोमीटर की, थोड़ा सा अनसेफ रहता है रात में सोलो राइड करना, बट क्या रहता है, हर चीज़ का अलग एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ का अलग मज़ा होता है। सोनमर्ग यहाँ से अभी बचा हुआ है 20 किलोमीटर, और रोड ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में बीच बीच में आ जाती है। ओ क्या बात है, क्या बात है, कितनी ज़्यादा शीप है। वाजवान होटल है, वो मोहसिन भाई का है। कैब भाई जब लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तब वो वहीं पे रुके थे। वाजवान होटल का अगर आप देखेंगे तो काफी फेमस है। देखता हूँ सोनमर्ग कितना दिखा रहा है, वो 13 किलोमीटर दिखा रहा है साइन बोर्ड में। ले है 358 किलोमीटर। पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा था बहुत ज्यादा, बीआरओ के बोर्ड लगे हुए थे, यानी कि बीआरओ के अंडर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ऐसी रोडों में कंस्ट्रक्शन बेसिकली जो होता है वो नाइट में ही मेजरली काम होते हैं, क्योंकि डे में क्या है इतना ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होता है कि काम नहीं हो पाते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा डार्क हो रखा है, इवन मून लाइट भी होती है ना तो थोड़ा सा शाइन करता है, वैसा भी कुछ नहीं है। मे भी बादल की वजह से है जो भी है, बट बहुत ज़्यादा डार्क हो रखा है। सोनमर्ग कितना है यहाँ से? सोनमर्ग 1 किलोमीटर। सो फिलहाल यहाँ पे कैब भाई रुके हुए थे, वेट कर रहे थे, अभी मिल गए। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 8:33, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, पूरी बॉडी हिल रही है। चलो भाई मिलते हैं, वेलकम टू सोनमर्ग। ओह, ऑफिशियली हम लोग का स्वागत हो चुका है सोनमर्ग के अंदर, और रात का टाइम है, और दिन में होते ना तो ये नज़ारे बहुत खूबसूरत होते। चलो 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 अंदर चलते हैं, फाइनली वी आर हियर, होटल वाजवान। क्या भाई, चलो अब अंदर चलते हैं, अनपैकिंग करने की हिम्मत नहीं है। क्या हाल है भाई? अरे जाओ, निकल गए, ये पता भी नहीं चलने दिया। हाँ जी, तो श्रीनगर की डल लेक से शुरू हुआ सफर आज हमारा समाप्त हो रहा है सोनमर्ग में। हम लोग आ चुके हैं सोनमर्ग में, और बीच की जर्नी के बारे में डिटेल में आपको पूरा बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे डिनर करने। डिनर करने के बाद रेस्ट करेंगे, और ये कैब भाई का डाटा कॉपी होना चालू हो गया है, क्योंकि एक यूट्यूबर की लाइफ में डाटा कॉपी करना भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। फाइनली आज का दिन बहुत अच्छा था, अब टाइम आ गया इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने के लिए। कैब भाई जी, कैसा रहा आज का खूबसूरत सफर? सफर बहुत अच्छा था, और ये जो श्रीनगर टू सोनमर्ग है इसको आप हमेशा रात में करिएगा, ये कोशिश करिएगा कि ओ रात में कह रहे हैं दिन में करिए। हाँ, इस सफर को हमेशा दिन में करिएगा, मेरे ऊपर पता, हम लोगों के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा कि हम लोग हमेशा क्या होता है रात हो जाती है। हम लोग का प्लान होता है सुबह 7 बजे निकलने का, हम 11 बजे निकलते हैं, और जब हमारा प्लान 11 बजे निकलने का होता है तब हम 4 बजे निकलते हैं। तो बस ऐसा चलता रहता है, बट क्या होता है ना, बट क्या है, हम लोग की कंपेटिबिलिटी बन चुकी है, तो हमें पता रहता है कि कितनी डिस्टेंस पे बना के रखनी है और कितनी खींचनी है। ट्रैवलिंग जो होती है वो कभी भी प्लान नहीं होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको प्लान ट्रैवलिंग करनी है तो MMT पे जाइए, मेक माय ट्रिप सबसे करिए, तो आप प्लान ट्रिप पे ही जाएंगे, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी हम लोग जब ट्रैवल करते हैं कहीं पे कोई अच्छा पॉइंट मिल गया तो हम लोग वहाँ पे रुक जाते हैं एंजॉय करने, क्योंकि यार ट्रैवल करने अगर आए तो फिर एंजॉय की बिना तो नहीं जा सकते। डेस्टिनेशन नहीं मैटर करती है, मैटर करती है हमारी जर्नी। तो उस जर्नी को एंजॉय करते हुए ही हम ट्रैवल करते हैं, फिर टाइम लगता है तो लग जाए। और इस
जर्नी का यानी कि ले लद्दाख ट्रिप का कल है डे ऑफ एक्शन यानी कि फाइनल डे, कल हम जाएंगे सोनमर्ग से ले के लिए। सो कल नेक्स्ट से मेन डे जो है वो कल का है क्योंकि कल के लिए क्या है वो हमारी मंजिल है, वो हमारा आशियाना कह सकते हो। उसके लिए हम 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, लेट हुए हैं हम, टाइम से लेट हैं मगर डे से लेट डे से नहीं है हम शेड्यूल। तो कल का व्लॉग जो है ना, जो नेक्स्ट व्लॉग है वो बहुत शानदार होने वाला है, आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बगल में बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा और अपने थॉट्स कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। डिसलाइक अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी मार देना, बट यार कुछ ना कुछ रिएक्शन दे के जाना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि कमी क्या है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। अब टाइम आ गया है ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, ज़्यादा नहीं खींचते क्योंकि कल हमें जल्दी एज पर प्लान जल्दी जाना, बाकी तो राम जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।